नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सतना में पकड़ाए गए कई फर्जी मतदाता। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, तो बीजेपी उम्मीदवार ने जताई जीत की आशा। पहले चरण में सतना सहित 5 नगर परिषद में चुनाव संपन्न हुए। सतना नगर निगम महापौर के लिए कुल 9 प्रत्याशी और 45 वार्डों में 253 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसकी मतगणना 17 जुलाई को होगी। शाम 5 बजे तक जिले में 65.06% मतदान हुआ। नगर परिषद में 88.86% मतदान हुआ। सतना संवाददाता इंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पार्टी से हूँ मैं, वार्ड क्रमांक 31 से पासरी के चुनाव के लिए खड़ी हो रही हूँ। मेरा नाम आयुषी तिवारी है। मैं इस वार्ड से युवा प्रत्याशी हूँ, जो आगे अपना फ्यूचर चाहती हूँ इस फील्ड में, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। जी भाई साहब, आप महापौर के प्रत्याशी हैं सतना से और विधायक भी हैं। कैसा रहा मतदाताओं का रुझान और क्या किया रही अभी तक? आज इस तरीके से आम चुनाव का रुझान होता है और कैंडिडेटों का अपना अपना क्षेत्र होता है, अपना अपना फैन फॉलोइंग होती है, सिंबल का वोट होता है, तमाम तरह की। लेकिन एवरेज में हम ये कहेंगे कि कांग्रेस की स्थिति सतना नगर निगम में सबसे ज़्यादा मजबूत है। जी मैम, आप किस वार्ड के प्रत्याशी हैं और क्या सुबह से अभी तक आपको जनता का उत्साह दिखा? मैं वार्ड 31 की ही प्रत्याशी हूँ और बाहरी प्रत्याशी हैं, वार्ड 33 के हैं, तो मेरे को जनता का प्रेम मिला है, इस कारण से मैं चुनाव मैदान में उतरी हूँ। पर सबसे ज़्यादा हमें इस बात की चिंता है कि जनता जिस आवेश में वोट देना चाह रही थी, उतने आवेश में उनका वोट नहीं पड़ पाए, क्योंकि बीएलओ की चाहे त्रुटि कहे या किसी कारण से, ये जिस नाम, बहुत सारे नाम ऐसे हुए हैं कि जो कार्ड दिए गए हैं, तो उस कारण से जनता बहुत परेशान हुई। सुबह 7 बजे से मैं यही देख रही थी, जनता परेशान हो गई। और जो मतदाताओं का जो वोट प्रतिशत है, मुझे लगता है अभी तक में 65% औसत मतदान हो चुका है। और उस रुझान का जहाँ तक विषय है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है और बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, ठीक है। पार्षद पद के लिए मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे सिंबल मिला। निश्चित तौर पर अपने वार्ड की जो जनता है, आशान्वित है कि एक अनुभवशील व्यक्ति को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 33। उसकी जनता जो चाहती है, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, उनकी जो नीति है, उस नीति के तहत जनता ने जो जिस विश्वास से जनाधार मेरे पक्ष में प्रस्तुत किया है, मैं अपने वार्ड के समुचित विकास के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निदान करूंगा।